अपन मेन वो तो मतलब क्वेश्चन करेंगे। और रुको, अभी कोई पीयूष आया, उसको पूछना। क्या हो क्या रहा है? कोई ढंग का आंसर ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ने वाले हैं। मुझे लगा अरे पढ़े से आप, वो कि आप आपने खुद मैथ्स डिसाइड पढ़ने वाले करते हैं, हैं। मीन किया था क्लास वो क्लास तो आप में। डिसाइड करते हैं ना, कभी कभी आप क्वेश्चन सोल्व करवाते हो, कभी कभी नेक्स्ट टॉपिक करवाते हो। तो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नेक्स्ट टॉपिक करना है? आपकी क्या इच्छा है सर? वो करते मेरे को हैं, दोनों में चलेंगे, हमें भी चलते हैं सर। कल सर कल पार्टी है ना? हाँ सर, तो पार्टी हाँ है कॉलेज? सर, हाँ सर, आप भूल गए, हमारे ट्यूशन में तो सर पार्टी देते हैं सीसीडी में। क्यों नहीं, कल मैं तो हमारे जो ट्यूशन वाले सर है ना, उनके तो बच्चे कल कहीं बिजी होने वाले, ऐसा कुछ सुनने में आया। नहीं नहीं संडे सर, को रख कल सकते हो? तो कल तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? मतलब कि तुम रखने जाने वाले थे ना तुम कहीं? कौन जाने वाला है सर? बेटा मैंने कल ना कल वाला पेज घूम गया, पहले तो मैं ढूंढ लूँ कहाँ घूम गया रे, कहाँ चला गया वो, जहां पे तुमको मैंने लास्ट क्वेश्चन अरे पूछा चिन्मय, में एक। हाँ आज आईटी में आया। आईटी इजन, पीठ बजा थक गया होगा, बच्चा है छोटा सा। बेटा लास्ट क्लास में अपने यहाँ तो स्किप किया था, मतलब यस स्किप सर, किया। किया था मतलब। अच्छा अपन को अभी क्या करना है पहले बताओ कि क्या किया जाए, बोलो। इसके और बाद मतलब कि एचपी कल है की ना, प्रेजेंटेशन आप दो या कल फिर नया टॉपिक? तुमको क्या कराया एचपी पढ़ जाए, लेते हैं, नहीं आया ना नया तो एचपी, टॉपिक? अब सीधा मंडे से पढ़ेंगे ना। नया टॉपिक रात चलो आप। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ऐसा हो तो करो, तो मंडे भी। चलो अपन हमेशा भी फ्राइडे को आज डन करते हैं, गंदे क्वेश्चन करा करेंगे, है? फ्राइडे मतलब धंधों का दिन। गंदा, कोई दिक्कत नहीं, आज सर तुम करके दिखाओ क्वेश्चन, ठीक याद रखेंगे। है? तो बेटा पहला सेक्सी क्वेश्चन दिया जाए तुमको, तुम काफी दिनों से डिमांड कर रहे हो कुछ सब ढंग के क्वेश्चन नहीं कराते, तो मतलब तुम्हारा लेवल बिल्डअप कैसे होगा? ऐसा ही कर रहे हो तुम लोग काफी दिनों से। मंडे से मैं एचपी खींच दूंगा, वैसे भी अगले वीक का खत्म हो जाएगा। फिर अरे 2 ही पेज बचे नोटबुक के। अरे मैंने तो कल ही चालू की तीसरी नोटबुक। मतलब वो खत्म होने में। नहीं, मतलब लोग को मिला के क्या? हाँ सर, सब हाँ सब सब लॉग क्वाड्रेटिक ये सब। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स सबसे ज्यादा बुक किसमें भरी है? फिजिक्स में कॉपी ज्यादा लिखो है? मतलब वो वो तो प्रैक्टिस तीसरी को मेरी गिनते आधी हैं, खत्म प्रैक्टिस हो बहुत गई सारी थी। होती है ना। हाँ मतलब तुम अभी मेरे को डरा रहे हो, मैं तुमको आज प्रैक्टिस के लिए मैं पकड़ाता हूँ। अरे सर, हाँ हाँ वो भी वो तो फिजिक्स की भी अलग है। भाई, ए हर्ष क्या जरूरत यार तू अपने है? तरफ पे कुल्हाड़ी। अरे तो आपको एक इंस्टीट्यूट की मैं शीट पकड़ाता हूँ, मैं देखता हूँ सारे इंस्टीट्यूट की एलन वैलन जिसकी बेस्ट होगी ना वही करने को बोलूंगा, बस डन। अभी तुमको हाँ भी चलेगा सर चलेगा। ना? थैंक यू बेटा, खुश कर दिया। सर मंडे को वो भी है ना रोज भी दे सकते हो सर डमी सर, वालों को। हाँ बेटा वो मंडे को आपने बोला था वो हॉल एंड नाइट का डिस्कशन करवाओगे हॉल एंड नाइट, बेटा हॉल इनफाइनल। एंड नाइट क्या तुमको मेंस की प्रैक्टिस पूरी अच्छे से करा देगी। हॉल एंड नाइट तुम करो, हॉल एंड नाइट मैंने ग्रुप में दिया। हॉल एंड वो नाइट सर किसी ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे तो वो कर लेना। मतलब वो डमी वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है, अनमी वाले बच्चों के लिए कंपलसरी वो नहीं नहीं है, डमी क्या वाले वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटा सारी चीजें देखना, मैंने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एक कॉमन डिफरेंस डी है वो, एक एपी जिसका नाम क्या देती है एन, जिसका कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी जिसका नाम बी एन है इज पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लेस देन वन इफ ए वन इज इक्वल टू डी है और बी वन इज इक्वल टू क्या डी स्क्वेयर, देन ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ए थ्री स्क्वेयर
अपॉन में बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इजिकल टू एम है, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, देन एम इक्वल्स टू। चुप क्यों हो गए रे? लिख रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन समझाओ एक बार। एक एपी है जिसके ए वन ए टू ए थ्री आपस में किसमें है? एपी में है ना, एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तीन। बेटा एक जेपी है बी वन बी टू बी थ्री जिसका कॉमन रेशो किसमें है? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर है ना। और ये बी वन बी टू बी थ्री वाली जीपी है और ये तो दोनों का डिवाइड करोगे ए वन ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर प्लस बी वन प्लस बी टू, उससे जो एम आएगा वो जो नंबर है वो एक रेशनल रेशनल नंबर नहीं, एम पॉजिटिव इंटीजर है। और जो कॉमन रेशो के बारे में बात बता रखी है उसमें क्या है, जो डी स्क्वायर है मतलब वो रेशनल नंबर है और एक, उसकी वैल्यू एक से क्या है, डी की बात नहीं चल रही है रेशनल नंबर ये नहीं, कॉमन रेशो डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर क्या है एक से क्या है छोटा है। तो ट्राई मारोगे सर? ये क्या लिखा है, वेयर एम पॉजिटिव इंटीजर। ये तो मैं चिल्ड्रन डे वाले पार्थ की एक्टिंग करूंगा। पार्थ के ऐसे डाउट होते हैं, पार्थ के कॉन्सेप्ट डाउट नहीं आजकल, पार्थ के डाउट पता कैसे होते हैं, ये क्या लिखा क्या है। तो बोला मैंने, तो बोला तो पार्थ के फ्लेवर में क्यों आ रहा बेटा। सभी सामने लिखे तो मतलब क्या हो, ए टू क्या हो जाएगा। थैंक यू। अभी क्वेश्चन करते रहो, मैं वेलकम कराता हूँ नहीं तो। मतलब ए वन डी है, ए टू कितना हो जाएगा बेटा, टू डी, टू डी, ए थ्री कितना हो जाएगा, थ्री डी, थ्री डी, ऊपर कितने डी स्क्वायर हो गए। चलो ये अच्छी बात है, फोर्टीन डी स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट। बी वन के डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, बी टू क्या हो जाएगा है? वो कॉमन रेशियो आर ले डी स्क्वायर आर, ओके आर, डी स्क्वायर आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर प्लस डी स्क्वायर आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर प्लस कितना, डी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये एक नंबर, ये एम को लेके आता है। अच्छा तुमको पता है ये जो सारे वो क्या है, टीपी, टीपी में, और जो यहाँ आर है वो क्या है, रेशनल नंबर, और एक से क्या छोटा ना, मतलब डी स्क्वायर टू वन माइनस आर, तीन अपॉन में क्या होगा, वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एम। अच्छा यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का एक क्वार्टिक बना दूं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर, ये आर में मैंने क्वार्टिक बनाई है, दिख रहा है आर वेरिएबल में। अच्छा आर के बारे में तुमको पता कि वो रेशनल है, आर के बारे में तुमको क्या पता बेटा, वो रेशनल है, तो उसका कोई भी, यदि मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स रेशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन जीरो, वो तो ठीक है डी ग्रेटर देन जीरो, पर मस्ट कंडीशन का डी शुड बी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से इस बात की तवज्जो दी जाएगी कि ये जो भी अपन रेशनल किसको मानना है, कॉमन माना क्या दे रखा है, कॉमन रेशो रेशनल दे रखा है,
इसका मतलब आर रेशनल है, आर रेशनल तो इसका मतलब यहां से अपने दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए डी शुड बी क्या होना चाहिए ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक दिमाग में तो फिट कर डी कितना मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा एम स्क्वायर एम माइनस एम, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फिर मैं लिख देता हूँ जेड जेड स्क्वायर, ये एम इंटीजर है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितने एम हो जाएगा, मतलब एक एम लिखना भूल गया बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 56 एम माइनस 3 एम स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, अब बेसिक मैथ्स का ही काम बचा हुआ अभी सारा, तो भी काम दम अरे स्क्वायर क्या है क्या जेड स्क्वायर, एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना रैंडम कुछ भी, हां दिमाग में रखने के लिए कि इक्वल के में ना ले डी शुड बी क्या होना चाहिए परफेक्ट डी की वैल्यू और एम इंटीजर है रूट 3 यहाँ तो चमक गया बेटा सबको यहाँ तो क्लियर है हाँ सर यस सर। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व की जा सकती थी थोड़ा अभी देखो क्योंकि बेसिक मैथ्स है ना कहीं भी सिर पैर पकड़ना अपने को वो सिर पैर पकड़ने के लिए मैं तुमको वहां पे प्रैक्टिस करवाता था और सिर पैर कहीं भी पूरे मैथ्स में लग जाएगा 1 + r + r² = 14/m तुमको ये भी पता है आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1 तो अमन बोलेगा ना इसके औकात कहाँ से कहाँ तक मुझे बदल गई है अमन ने क्या डिसाइड किया कि 1 से ये जो लेफ्ट हैंड साइड 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए तो m की वैल्यू पॉजिटिव क्या क्या रख सकता है अमन अच्छा अमन 14 मतलब उल्टा आ जाना पड़ेगा अच्छा 4 रख सकता 4 नहीं 4 से 14 4 नहीं रख सकता 4 भी रख 5 रख सकता है यस यस 5 से 14 5 से 14 5 से लेके कहां तक 13 और साथ में जीपी का फंडा यूज कर लिया छोटा सा अब देखो एम की वैल्यू 5 रखोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा चेक करके देख लो 6 रखोगे तब भी नहीं 7 रखोगे तब भी नहीं 8 रख के देखो क्या आ रहा है 56 × 8 448 माइनस 192 448 माइनस 192 परफेक्ट स्क्वायर है 200 एम की वैल्यू 8 रख के देखो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं बेटा M की वैल्यू ओनली 8 के लिए परफेक्ट स्क्वायर है बाकी नहीं है मुझे पता था मैंने भी पेन चलाया था थोड़ा चमका बेटा यस सर तो एक मिनट रखना ये नोट कर रहे हैं
सर हो गया, एक सेकंड। हाँ सर हो गया, हो गया। मैं तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज की शीट का जुगाड़ करता हूँ। तुम कहाँ बेटा? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा अभी अगला क्वेश्चन क्रैक करना यदि कर सकते हो तो। इजी तू थोड़ा सा? नहीं सर। नोट कर लिए तो बोल देना, मैं चले। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। चलो तुमको ऐसा क्वेश्चन अपन ने थोड़ा ट्राई किया हुआ है, लेकिन थोड़ा आराम से कूल होके करना, ठीक है? क्वेश्चन सुनना क्या है, ये सारे ये इंटीजर्स है ना, एक सीक्वेंस है, इसका मतलब उसको बोला कि ये क्या है, सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है ना, ठीक है? अब सुनना बेटा, b1 b2 b3 ये जीपी में दे रखा है, b2 b3 b4 ये किसमें दे रखे हैं, एपी में, b3 b4 b5 ये दे रखा है जीपी में, बी फोर बी फाइव बी सिक्स किसमें दे रखे हैं, एपी एंड सो ऑन, ठीक है? और बी वन की वैल्यू दे रखी तुमको वन, और बी फाइव प्लस बी सिक्स की वैल्यू दे रखी है 198। दो चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी साथ में, ठीक है? और कमेंट क्या करना वो भी, ये कमेंट करने के बाद थोड़े क्वेश्चन बना देते हैं अच्छे से। रूट बी सेवन की वैल्यू बतानी, सम ऑफ डिजिट ऑफ बी टेन, जो बी टेन में जितने भी डिजिट्स हैं उनका कितना क्या है सम, ट्राई करोगे? दिखने में तो बहुत, दिखने में तो ऐसे लग रहा है इजी है, और इजी है बस, तुम कहीं घूम घूम में जाना कहीं। पीयूष मिश्रा जी। हाँ सर। आप देरी से क्यों आते हैं? अब वो लेकर मैं फोन करके चला गया था कहीं, ऐसे बोल मस्त वाला बहाना। नहीं नहीं, उस दिन मैंने तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन डाला था, जिस दिन तुम्हारा पेपर ले तुम अपडेट और किसका एक बार उसने बोला था अमित सर को सर जूम अच्छा यही बोला था। बेटा नहीं नहीं इनको बस यही है कि फर्स्ट टर्म कितनी रखी है वन, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आर हो जाएगी जीपी में, तो थर्ड क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आर आर स्क्वायर और उसमें एपी में बनाना, तो बी फोर कुछ आर की फॉर्म में आएगा,
बिफोर तो 2 R² - R आ जाए। हाँ क्या बेटा? बिफोर तो 2 R² - R आएगा ना? हाँ कुछ ऐसा ही। ट्राई कर रहे हो या मैं करवाऊं? हाँ हाँ कर रहे हैं। हम अपडेट हो रहा था। तब तक मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, तुम ट्राई करो ठीक है। तुम तो ठहरे क्या हुआ बेटा? वो नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करवाता हूँ। सर हो ही रहा है, रो ही रहा है, हो ही रहा है। चलो फिर तो अच्छी बात है। सर आर की वैल्यू 5 या फिर 39/10 आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। उनमें से एक रिजेक्ट हो जाएगी, वो भी सोच कौन सी, क्योंकि इंटीजर साइज। हाँ वो यही 39/10 वाले रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सीलेंट बेटा एक्सीलेंट यार। बस मुझे कैसे किया, मुझे व्हाट्सएप कर। हाँ सर छोरे के बाद दिमाग तो हमारे। सर ऐसे तो सर मेरे भी वही आ रही है, ढंग से नहीं किया। हाँ मेरे को बेटा ऐसे चलेगा, इसमें बोर्ड के टेस्ट नहीं है। बोर्ड के टेस्ट नहीं, नहीं वो भी नहीं, मतलब मेथड भी ज्यादा अच्छे नहीं है। चलेगा चलेगा, वैसे ज्यादा अच्छी मेथड इसमें होनी भी नहीं चाहिए थी। 11 ± 89/20 आर, मतलब वही आया 5। और साथ में बेटा लगे तो वो भी भेज दे जुगल क्या। एक मिनट इंस्टाग्राम। सही है बेटा सही है, यही होना चाहिए। बस मैं जाना चाहता हूँ, तेरे फेयर नोट्स में लिख रहे हैं ये चीज़ तो रफ में होती है। ये फेयर नोट्स पर बात मतलब ये साइड में करता हूँ और फेयर मतलब फिर
बेटा मैंने ना तुम्हारे एक दो भाई, बिल्कुल एक दो जो बहुत सही भैया, और मैं देख रहा हूँ उनका नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं सवाल ट्राई करने के लिए जो पहले पेंसिल से ट्राई करेंगे, तो यदि वो हो गया तो उसको हाथों से फेयर कर लेंगे, अदरवाइज को इरेज करके क्या कर लेंगे सॉल्यूशन। ट्राई कर रहे हैं, लिख लेंगे। रिजेक्ट हाँ अभी तेरे जूनियर क्या देखेंगे भैया, वो तो छोड़ दे, कैसे होगा वो बता। इंटीजर सही ना बेटा, बी बी एन क्या चाहिए, पूरा सीक्वेंस क्या चाहिए, अच्छा इंटीजर चाहिए ना। अब देख ए टू 13 -39/10 ले लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बी टू तो कितना हो जाएगा, बी वन तो फर्स्ट है तो बी टू इंटीजर थोड़ी है बनेगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन की ब्यूटी के सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इतना भी वन लाइनर नहीं, लेकिन समझो बी वन कितने, वन, बी टू मैंने मान ली आर, बी थ्री कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब ये अगला ये एपी में होना चाहिए, तो इनमें क्या ऐड कर रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर आर, तो स्क्वायर माइनस आर, अगला क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस आर, टू आर स्क्वायर माइनस आर। हाँ वो आ गया, ठीक है। फिर उन दोनों का ये जीपी में जीपी में करें। होना चाहिए, ये अगला टर्म ये स्टार जीपी में ना। तो अभी देखो जिनको जिनको आराम से कैलकुलेशन करने वो आराम से भी कर सकता है, यहाँ से ये आ जाएगा, ये आएगा टू आर माइनस वन का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे मेरे पास सीक्वेंस तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन तुम इसे बना बनाओगे। अगला क्या आ जाएगा, थ्री आर माइनस टू, फिर क्या आ जाएगा, थ्री आर माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो मैं पूरा एक को सीक्वेंस बनाता हूँ, वन आर आर स्क्वायर टू आर तो आ स्क्वायर गया था का, मेरा, क्या दिख रहा, आ गया था इसका। अगला कितना आएगा, फोर आर माइनस थ्री, फिर आएगा फोर आर, 10 तक चाहिए, 10 तक पहले निकाल लो, और थोड़ा देखोगे तो पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तुमको, कुछ फटाफट हो जाएगा 3 6 7 के बाद। तो अब उसने क्या बोला, बी फाइव प्लस बी सिक्स क्या दे रखा उसने, 198। तो बी फाइव कितना तुम्हारे पास, टू आर माइनस, एक दो तीन चार पाँच, टू आर माइनस वन का। सर आप ये सीक्वेंस कैसे बनाए वो एक बार समझा सकते हैं। हाँ बेटा सर मेरा बी सिक्स ये नहीं आ रहा था, बी सिक्स आएगा, टू आर माइनस वन आना चाहिए मेरे साथ, चेक करते चलो। इधर देख बेटा फटाफट देख ले कैसे बनाया, फिर अमन पूरी बारात निकल जाएगी, बोलेगा किसकी शादी है। फिर से तो पहले 4 टर्म तक ठीक था, फिर थोड़ा नहीं समझना है। पहले वन आर स्क्वायर ठीक है, इसमें क्या ऐड किया, इसमें किस सर ये रूट बी 720 जब नहीं आ रहा है, 169 आएगा बेटा, देख तभी देख, इधर अभी आराम से करते हैं, ये आर है आर स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या ऐड किया, क्या माइनस किया, तो एपी में बनाने के लिए क्या हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर ऐड कर, टू आर स्क्वायर माइनस आर हो गया। हाँ सर ले आ सकते। अब देख अभी यहाँ पे स्टार लगा ले, ये तीनों जीपी में कौन, ये तीनों, अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, दो टू आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन में आर स्क्वायर से मल्टी, ये कॉमन रेशो रहा होगा इस जीपी का। हाँ सर, और ये कॉमन रेशो रहा होगा, और किससे मल्टीप्लाई करना अपने को, टू आर स्क्वायर। तो अभी क्या आर आर कॉमन लेके कट दूं, तो क्या बनेगा अगला, टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। यस क्लियर, यस सर। अब देख ये तो और बिजी, अभी थोड़ा भावना समझना बेटा, देख अब क्या होगा, ये और ये वाला एपी में होंगे। हाँ तो इसमें इसमें अगली वो एपी टर्म क्या होगी, टू आर माइनस वन का पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, उसमें क्या ऐड करना है, ये कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर दूंगा, टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, टू आर माइनस वन मिलेगा। ओके हाँ सर अब सही समझ में आ रहा है। हाँ सर मेरे बी सिक्स तो अजीब सी आ रही है सिटी। हाँ सर मेरे भी बहुत अलग आ रही है। अच्छा देखो ये तुम्हारी ये क्या मिली तुमको, अभी ये तु, अभी बी, वो जीपी में होना चाहिए ना, ये अपना क्या बी वन आ गया, बी टू आ गया, बी थ्री आ गया, बी फोर आ गया, बी फाइव आ गया, और क्या आ गया, बी सिक्स। बी फोर बी फाइव बी सिक्स एपी में है, ठीक है। बी फाइव बी सिक्स बी सेवन जीपी में होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीपी के कॉमर्शियल क्या जाएगा, टू आर माइनस वन अपॉन में टू आर माइनस वन कॉल स्क्वायर इंटू क्या जाएगा, टू आर माइनस वन। तो ये तो लल्लू कुछ और कुछ कर, ये तो कोई गलत। अब मेरे बी सिक्स क्या आ रही है बोलूँ एक बार, बी सिक्स
बी सिक्स अभी गलती से कुछ गलत लिखा गया मैंने, मेरे सिक्स आर स्क्वायर माइनस सेवन आर प्लस टू, हाँ बस ये आ रही है। हाँ वही गंदी से आई, रुको मैंने भी गलती कर दी ना। बी फोर कितना आ रहा है, बी फोर आ रहा है, बी फाइव आ रहा है, बी सिक्स ना ये आएगी कैलकुलेशन में, टू आर माइनस वन इंटू थ्री आर माइनस टू भी आएगी। अच्छा जी पी मैं करके दिखाऊं कैसे आ रही है। नहीं सर अब आप समझ आ गए। फिर आएगी थ्री आर माइनस टू का स्क्वायर, फिर क्या आएगा थ्री आर माइनस टू, टू इंटू फोर आर माइनस, ऐसे फोर में सारे सिक्वेंस लिख देता हूँ मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन आए कैसे तुमको मैंने बता दिए आगे चल के भी। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये वाले, सॉरी ये दोनों एक साथ ही हैं अभी। ओके ठीक है ना, ये ग्रीन ग्रीन। हाँ सर। अब कितने बोला b5 plus b7 पूछा, b5 plus b6, b5 कितना गंदा सार है। हाँ सर। b5 तो क्या 2r minus 1 का क्या है, 2r minus 1 into 3r, 2 3 4 5 b5 के 2r minus 1 और b6 कितने, 2r minus 1 into 3r is equal to 198। अब तो इक्वेशन मस्त बन जाएगी, 2r minus 1 कॉमन ले ले, अंदर में क्या बचेगा 5r minus 3 is equal to कितना 198, इसको सॉल्व क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक में r की वैल्यू 5 आएगी और क्या आएगी minus 39 minus 39 by 10, ये कैंसिल आउट कर देगा, r की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है। अगर माइनस 39 बाय 10 क्यों कंसीडर किया, कैंसिल किया क्योंकि इंटीजर, तो उसने b7 क्या था, ये अभी b7 क्या निकालना अपने को, b7 अपना कितना है 4 r - 2 cos² आ रहा है। हां सर r की वैल्यू 5 रखो। हां सर 13 आ गया सीधा, 169 आ गया ना, तो b7 कितना आ गया 13, यहां तक क्लियर। पहला B10, B10 अपने निकाल रखा, कितना निकाल रखा बेटा B10 वाचन 4R minus 3 5R minus 4, R की वैल्यू क्या रखा था उसमें 10, तो 20 minus 3 17 25। सर वो 4R minus 3 का होल स्क्वायर नहीं होगा B10, नहीं बेटा ये पूरा भी कैलकुलेट कर लेते ले, क्यों मेरे को फंसाते हो, B5 B6 B7 B8 B9 और ये कितना हो गया B10, ये दोनों एक ही टर्म है, 20 into 20 but 25 minus into 20 तो कितना हो गया बेटा 350 7, समझ गया सर रुको अभी नोट करते हैं लग तो, अबे आराम से तुम ना घर पे बैठ के तुम ये करना, पहले 10 तक के सीक्वेंस बनाना, स्मार्ट काम के सीक्वेंस बनाने में और ठंडे दिमाग से बनाना तो आराम से बनेगा, नहीं तो फिर तो पहले तक तो सीक्वेंस बने, फिर वो लिंक नहीं हुआ ढंग से। हेलो अभी भी नहीं, ठीक है बेटा, नोट कर लिया, रिकॉर्ड ही बना दें पूरी क्लास, एक मिनट नहीं सर एक मिनट, तुमको मैं होमवर्क दूंगा तो तुझे मंडे, चलो मुझे बताओ कितने क्वेश्चन तुमको देने चाहिए, तुम खुद से बोलो, बस डमी वालों को 10 ज्यादा मिलेंगे, ठीक है सर। जेवियर्स का तो मतलब जेवियर डमी ही है, अरे जो अरे शीट का, शीट का ताकि तुम ट्राई तो करना स्टार्ट करो ना सीक्वेंस एंड सीरीज के, शीट
सर आप दे रहा हूँ बीस तो नहीं अरे वो नहीं ऐसा लर्न क्वाड्रेटिक की कैसे भेजती शीट कितने वैसे करोगे 10 10 क्वेश्चन 15 15 इनफ है एक दिन के कमी चलेगा सर वालों के लिए 25 जेवी चलेगा कमी के लिए सर चलेगा और सर एनवी एन वालों के लिए 15 और जुगल के चलेगा लिए 18 जुगल नहीं पता जुगल का कभी एक्सक्यूज नहीं होता वैसे इसलिए वो तो बचा कौन इजान और कौन अमन अमन और मिश्रा क्यूज क्यूज होता इजान इजान का तो क्यूज ही नहीं होता उसका मस्त होता है है हाँ वैसे इसमें आंसर तो B10 वाले में 15 आएगा ना। अरे बेटा देखो मैंने पूरा एग्जैक्ट निकाल के दिखाया नहीं तुमको नहीं नहीं सामने उन्होंने हाँ बोला सम ऑफ डिजिट तो हाँ वो हाँ तो भी क्या लिखेगा तो 5 7 12 और 3 15 अब चमकाए अगला क्वेश्चन प्लीज चमका लिए फिर वो एपी में देख के उसने सम वाला फॉर्मूला लगाया होगा 3 5 और 7 वाह आज एपी तुमने बेटा पढ़ने वाले बच्चों वाली पहली बार बात की है अब मुझे समझ में पढ़ने वाले बच्चे और क्या सोच सकते हैं शाबाश क्या सर क्या बोला उसने वो बोला कि इसमें भी सब निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकाला होगा एपी में ना 3 5 7 हाँ तो सम ऑफ टर्म नंबर है तो 3 बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस पीयूष उसमें भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर ऐसे 2a+ वाला वो प्लस उससे पूछो अब पीयूष बेटा खेला हो खिलाड़ी है चलो अभी क्वेश्चन करो भी हाँ सर बेटा क्वेश्चन है बोला कि एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है ठीक है बी बाय ए भी इंटीजर है इसके बारे में वैसे पॉजिटिव इंटीजर तो बी बाय ए पॉजिटिव ही होगा ना अभी ये मत बोलना कि बी बाय ए भी पॉजिटिव इंटीजर है कई बार बच्चे पूछ लेते हैं और ए बी सी बेटा जीपी में किसमें जीपी जीपी और खुद जीपी में लेकिन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इस B+2 है कितना दे रखा है B+2 अर्थमेटिक में दे रखा है ना तो ए तो हाँ इसकी वैल्यू बतानी है A² + A-14 अपॉन में A+1 तिनका है रोशनी का जैसे बरा जरा धीरे चलो हम तो कर देते हैं कल तो मेरी भी छुट्टी टाइप का हो जाएगा यदि मैंने पेपर आज बना दिए तो जुगल तुम्हारे स्कूल में स्टेट लाइन स्टार्ट हो गया बेटा तो हाँ सर दो एक्सरसाइज कर ली तूने पहली दो नहीं पहले मतलब कि कितनी कराई मैम ने मतलब चल रही है तू कल वाला टेस्ट भी स्किप करेगा बोर्ड का ठीक हाँ है मेरे पढ़ तो अच्छे नंबर आने चाहिए बशियार हाँ सर कल तेरी मैंने सब्जेक्टिव कॉपी चेक नहीं की तो हंगामा हो जाएगा ऐसा पिछली बार भी भेज दी थी लेकिन चेक नहीं हुई तुम दोनों दोस्तों के एक ही कहते हैं एक साथ ही आता है क्या कौन दोनों दोस्त और ओम उसकी भी नहीं मिल वो भेज नहीं पा रहा था का मुझे नहीं पता लेकिन वो मेरे सर वो तो मेरा ड्यू टाइम हो गया था वो और... सर मैंने हर्षु सर को भेज दिया आपको भी बोला था लेकिन बाद में अरे चेक बेटा उसमें चेक करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो गूगल क्लासरूम में के मैं आता चेक करके आपको रिटर्न कर देता हूँ तुम अभी हाँ वो मैंने देखा था देखा था ना बेटा कितनी स्पीड से कर देता हूँ चेक हाँ हाँ सर सर 15 मिनट में आ गई थी आधा घंटा हुआ था उनमें कुछ ना मुझे ईमेल करना पड़ता है ना डाउनलोड करना पड़ता है दो सब चीजें एक खाली
टोटल एंटर करके रिटर्न ही करना है। कैसे करे ये क्वेश्चन तुमको जानू, बेसिक मैथ सिखाया है तो तुम पक्का कर सकते हो बेटा। इस सवाल में बेसिक हल्का सा मैथ लगेगा, बाकी जुगल कर रहा है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ कि जुगल को कोई टक्कर दे सकता है सर, पहले होने तो दो बेटा। मैं तो तू अपने में कॉन्फिडेंस रख, मेरे को बाकी की लेनी थी तो पहले खुद दी। गूगल मत करना, बाकी सब हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीज चलो बेटा बस। इजान हो रहा बेटा, ट्राई कर रहा हूँ। A6 आ रहा है क्या, चेक करने दो मेरे को। आ जाएगा A6 आ जाएगा बेटा। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, पहले बोलो कि ABC किसमें, खुद किसमें? जीपी। तुम ना अप्रोच एक बार सिंपलीफाइड अप्रोच करो। देखो तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो ना, जब भी जीपी में दे रखा है तो पहले मान लो A, AR और क्या मान लो बेसिकली। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लब कर दिया अपने, अर्थमेटिक मीन भी और ए। अब इसको सोल्व करना है, ए कॉमन, अच्छा ए कॉमन कट नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा अब तुमको ये समझ में आ गया, अननोन दो ही है, ए और कौन सा आर। इक्वेशन तुम्हारी एक बनेगी, पहले तुम्हारी आधी चीजें तो ये चमकनी चाहिए। और बेसिक मैथ में इतना टाइम इसलिए दिया था कि मुझे लगा था तुम थोड़ा करोगे। तो AR² - 2AR मैंने बताऊं क्या, मस्त मिस्टेक की। वो भी लेता हूं तेरी मिस्टेक भी, यहां तक क्लियर? अब तो तुमको बेसिक मैथ पूरा लगाना है। R - 1 का होल स्क्वायर = 6/A है,
लेफ्ट हैंड साइड वाला परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड वाला शुड बी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा आपको पहले अब तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? और ए पॉजिटिव इंटीजर है तो 6 बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, ए की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 6 सीधा 6 ही होगी। आर की वैल्यू 2 6 ही हो सकती है। आर की वैल्यू देखो, अब देखो एक अभी देखो यहां फिर तुम खेलोगे, तुम आर की ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 6 आर माइनस 1 कॉल्स इज इक्वल टू 1 आईआईटी ब्रो ब्रो। तो आर की वैल्यू 0 और 2 दोनों और 0 टू 0 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि नंबर ही सारे क्या हो जाएंगे, सब एक ही हो जाएंगे। तो 2 अब यहां पे इवन अपने को तो ए उसका भी लेना देना नहीं था, अपने को सिर्फ ए से लेना था। ए आया 6 रखो, कितना आया 36 प्लस 6 माइनस 14 बाय 7 4 बेटा ये ना जेई 2014 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2013 का। सर वो a प्लस b प्लस c बाय 3 इज इक्वल टू b प्लस 2 भी सॉल्व करके हो सकता है ना a की वैल्यू? क्या बेटा वो अरिथमेटिक मीन abc वो बोल रहा है a ar की जगह abc ले लो। हां वो इज इक्वल टू b प्लस उसमें gp का भी सोचना पड़ेगा ना कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac रखना पड़ेगा। हां हां उससे c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो बेटा मेरे दिमाग में या तुम्हारे दिमाग में अब थोड़ी चीज प्रॉब्लम्स को पहले छोटा कॉम्पैक्ट करते हो, सकता तुम्हारा तरीका मेरे से अंडर टाइम बेटर हो। तुम ओके बेटा? यस सर। मैंने तो क्लियर हुआ तुमने पीवाई क्यों ट्राई किए नहीं किए भगवान जाने। किए है एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा ना। हाँ सर। अब थोड़ा दिमाग लगाना भैया। सर वो पिछला क्वेश्चन जो था मतलब वो बड़ी क्वेश्चन वाला उसका क्वेश्चन नहीं यार, इसका मैं तो बताता हूँ, दो तीन बार घर पे ट्राई करना, ये तरह से सीक्वेंस थोड़े फास्ट बनेंगे। तू अरे प्लीज मैनुअली काम मत करना ऐसे कि अब देखो सीक्वेंस बनाने के लिए कुछ कुछ फटाफट कर सकता है, जैसे अगला ये वाला है, अब ये वाला टर्म कैसे फटाफट सोचेगा, अगला भी सोच के दिखाता हूँ। अब यदि ये वाला टर्म ले ले ठीक है, ये दो टर्म पहले जीपी में ना बी थ्री की फोर फाइव, अब जीपी में तो नेक्स्ट टर्म देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एक तो कॉमन रेशो और ये टर्म खुद होगी, मतलब इन दोनों को डिवाइड और खुद टर्म, तो फटाफट सोचना 2r² - 2 और ये खुद टर्म 2r² - r / में क्या r, तो यहां से तेरे को क्या मिल जाएगा r, अच्छा r² तो r² r² कर दो 2r - 1 का स्क्वायर, अब तेरे को ये मिल गया। अब अगली टर्म सोचनी 1 2 3, अब तेरे को ये सोचने की एपी में होंगी, ये दो तो पता था एपी में होगी, एपी में क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये तो डी मिल जाएगा प्लस में 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा ऐड इसको थोड़ा हल्का तो पेंसिल लाना पड़ेगा, उधर से भी शायद r कॉमन ले लेता से तो क्या मिल जाएगा 2r माइनस 1 आ जाएगा अंदर से। हाँ तो 2r माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, चेक कर। अच्छा तो अंदर में क्या देखो वही 3r - 2 बचेगा देखना। तो 2r - 1 3r - 2 अभी ये और ये जीपी में अगला भी जीपी में अगला टर्म पता नहीं, लेकिन अपने को पता कॉमन रेशो क्या आएगा, कॉमन रेशो देखो इनको काट दूं तो ये आ जाएगा 3r - 2 / 2r - 1 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2r - 1 3r - 2 ये कट गया 3r - 2 हो गया होल स्क्वायर। हां तो कैलकुलेशन वही और बेटा अभी पेपर थोड़े लंबे तो आ रहे हैं, इसमें कोई सोच मतलब दो सोचा ही नहीं जाता कि इजी पेपर आएगा मतलब बिना कैलकुलेशन वाला, और खासकर मैथ्स का
और कैलकुलेशन करने के लिए तब तक फाइनल आंसर ना मिले तब तक बेटा जाया करो, ये मैं तुमको बोल सकता हूँ। और जब तक अभी तुम थोड़ा जल्दबाजी में रहते हो, एक क्वेश्चन और करो। यस सर। एक घर के लिए देता हूँ, थोड़ा गंदा क्वेश्चन है, फिर पी वाई क्यू का ही है, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना प्लीज। ओके। ये इस पे दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग चलेगा कि के की एस के कोई एस के डिनोट किसे कर, किस पर डिनोट करता है? इनफाइनाइट जीपी के सम को, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म के एस के डिनोट्स द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी और फर्स्ट टर्म इज k माइनस वन अपॉन में k फैक्टोरियल एंड कॉमन रेशियो इज वन बाय k। कॉमन रेशियो कितना बेटा? वन बाय k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो आईआईटी की खूबसूरती, बच्चों की लेनी होती तो ऐसे लेता वो, हंड्रेड स्क्वायर हंड्रेड फैक्टोरियल प्लस सिग्मा के की वैल्यू टू से लेके कहाँ तक बेटा? 100 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 इंटू एस के इज, समझ गया बेटा? सर वो फर्स्ट टर्म के माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल है। यस ब्रो, यस के फैक्टोरियल। पूरी सब चीजें मिक्स कर देता है, सिग्मा फैक्टोरियल जीपी इनफाइनाइट जीपी। अब आराम से सोचना, आधा घंटा देना, 15 मिनट देना, जितनी देर में होता है, आधा घंटे बाद नहीं हो तो छोड़ देना, फिर माइंड को थोड़ा चलने देना, ये तो जब डिस्कशन करेंगे उनको समझ में आएगा कि इस सवाल बनते कैसे वहाँ पे। प्लीज पहली बार में मत देख लेना कि नहीं हुआ तो फटाफट क्या किया, गूगल, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तुम पी वाई क्यू सारे कर लो, चाहे अपने इसी एक क्वेश्चन से काम बन जाएगा अपना। सोचो, पेन चलाओ दो तीन बार कि अच्छा एस के, क्योंकि जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया उसने फ्रेश क्वेश्चन बनाया है। सर मतलब ये एस के में मतलब पहले 2 के इनफाइनाइट जीपी का सम फिर 3 के, एस के, एस के मतलब एस2 का मतलब क्या होगा? एस2 का मतलब 2 के इनफाइनाइट, देख एस2 का, एस2 का मतलब क्या है, जिसमें के की वैल्यू कितनी ले रहा तू, 2 ले रहा है? 3। हां, एस2 में एक लिख देता हूं, एस2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, 2 माइनस के की वैल्यू 2 रख, 1/2 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और कॉमन रेशियो कितना बेटा? ये एस टू लिखती है। ओके, और मतलब एस के सब का सम आएगा। हाँ, वो जो आएगा सबका सम वो इधर पटकना पड़ेगा, देख इधर। ओके, हाँ। क्वेश्चन तो बेटा इसी क्वेश्चन में आता है, एक घंटा दोगे तब मैं तो एक घंटा भी दे दूँ, अपने वो नहीं करने 20 सवाल, और फिर भी नहीं हुआ तो कल डिस्कस करेंगे तो तुम वो दिमाग में छप छप जाएगा। ऐसा समझ नहीं, 1 करोड़ का पैकेज मिलने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और तुमको सारे कॉन्सेप्ट फंडे पता हैं, लेकिन दूर दूर के पास पास के सोचने पड़ेंगे, तब जाके तुमको इंटरेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट में। अदरवाइज हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज डुएबल है, फिर दिमाग डेवलप नहीं कर पाओगे, आधा घंटा एक घंटा, समझ गया? सर वो सिग्मा के बाद क्या लिखा है? सिग्मा मतलब मोड है बाहर, ये मॉडुलस ऑफ k स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 ब्रैकेट बंद हो गया इनटू s के, मॉडुलस। हम आज सारे पार्ट मेहता क्यों बने हुए है क्या सर? उस दिन बहुत आराम से करना, ठीक है, चलो मिलते हैं यार कल पक्का। हाँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, पक्का 90% पक्का, ठीक है। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बेटा बाय बाय।